नाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड विद अवर नेक्स्ट सेक्शन दैट इज सेक्शन सी। देखो क्वेश्चन क्या है आपका, योर क्वेश्चन इज द फिजिबल रीजन फॉर एन एलपीपी शोन इन द गिवन फिगर। ये आपको फिजिबल रीजन दिखाया है। लेट एफ इज इक्वल टू 3x-4y बी द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ एफ आपकी क्या होगी। तो देखो अगर आप इसको शेड कर दो, ये इस तरह से शेड होगा ना, कॉमन रीजन आपका ये आएगा। अब इसमें कौन कौन से पॉइंट्स आएंगे, एक आपका पॉइंट होगा ये, ये कौन सा पॉइंट होगा 0,0, एक पॉइंट आपका ये हो गया 0,4 और एक पॉइंट हो गया आपका ये दैट इज 12,6। तो जो आपके कॉर्नर पॉइंट है आपके, ये हो गया 0,0 देन 0,4 एंड देन 12,6 राइट। और जो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसको आपको क्या करना, मैक्सिमाइज करना है। आपको मैक्सिमाइज करना है अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन दैट इज एफ इज इक्वल टू 3x-4y। एफ इज इक्वल टू 3x-4y। देखो अगर एक्स की एक्स और वाई की जगह आप 0,0 रखोगे तो एफ क्या हो जाएगा 0, 0 और 4 रखोगे तो ये हो जाएगा आई थिंक आपका -16। 12 और 6 रखोगे तो एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 3 जा 36 और 6 4 जा 24, तो ये आ जाएगा आपका 12 राइट। और ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू, जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो आपकी सी आएगी। इज इट क्लियर? ठीक है चलो जी आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 द क्वेश्चन इज इफ द कर्व ए वाई प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 7 एंड एक्स क्यूब इक्वल टू वाई कट ऑर्थोगोनली एट 1,1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए कट ऑर्थोगोनली एट 1,1। तो देखो सबसे पहले आप ये देखो जो आपकी इक्वेशन क्या है, ए वाई प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 7 गिवन दैट ए वाई प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया आपका 7। इज इट क्लियर? ठीक है एंड देन एक्स क्यूब इक्वल टू वाई एंड एक्स क्यूब इक्वल टू राइट। अब अगर मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ, जैसे मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, व्हाट आई विल हैव, ये हो जाएगा ए विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x और कॉन्स्टेंट का आप करोगे तो ये हो जाएगा आपका 0 राइट। सिमिलर में जब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो ये हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर और वाई हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ तक कोई डाउट क्लियर है यहाँ तक आपको? ठीक है अच्छा आप देखो यहाँ से अगर मैं डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालू व्हाट दैट विल बी -2x/a ठीक है एंड फ्रॉम हेयर डी वाई बाई डी एक्स आपका कितना है दैट इज 3x2। ये भी क्लियर हो गया? ठीक है अब जो पॉइंट है किस पॉइंट पे कट कर रहा है आपको 1,1, किस पॉइंट पे कट कर रहा है आपको 1,1। तो अगर मैं यहाँ डी वाई बाई डी एक्स एट 1,1 निकालता हूँ व्हाट दैट विल बी, इट विल बी -2/a राइट and let that be m1। और अगर आप यहाँ find करते हो dy by dx at point 1,1 so it will be equal to 3 and let it be equal to m2। ठीक है अब एक चीज बताया था orthogonally cut करने का मतलब ये हो गया जो perpendicular conditions हो, orthogonally का मतलब क्या हो गया perpendicular। is it clear? orthogonally का मतलब क्या हो गया perpendicular। और perpendicular में स्लोप के बीच में क्या relation होता है, प्रोडक्ट माइनस वन होता है, टू इक्वल टू माइनस वन। एम आई राइट, एम आई राइट? तो कैसे करोगे आप, लिखोगे सिंस कर्व कट्स ऑर्थोगोनल, तो जो कंडीशन होगी स्लोप के बीच में वो क्या होगी एम वन इंटू एम टू इक्वल टू माइनस वन। वैल्यू ऑफ एम वन इज -2/a
एंड वैल्यू ऑफ एम टू इज 3 इक्वल टू माइनस 1. तो फाइनली व्हाट विल हैपन, दिस माइनस एंड माइनस विल बी कैंसिल आउट, ए विल बी इक्वल टू 6. योर आंसर विल बी ऑप्शन बी. इज इट क्लियर? चलो आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 इज If x is real, the minimum value of x square minus 8x plus 17 क्या होगी? आपसे पूछा जा रहा है कि minimum value इसके क्या होगी? चलो जी minimum value find करते हैं. ये आपका क्वेश्चन, ठीक है. First of all, ये जो आपका फंक्शन है, लेट दिस फंक्शन बी एफ एक्स. तो आपका एफ एक्स कितना हो गया? एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 17, ठीक है. अब जब आप डिफरेंशिएट करोगे, व्हाट वी विल हैव, एफ डैश एक्स विल बी इक्वल टू 2x माइनस 8. तो फर्स्टली हमें क्या करना होता है, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना होता है. तो लेट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0. तो 2x आपका 8 के इक्वल आएगा और x आ जाएगा आपका 4. यहाँ तक कोई डाउट? x कितना आ गया आपका? 4, ठीक है. अब क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव f डबल डैश x, ये आ जाएगा आपका 2. अब ये जो 2 आ रहा है, यानी कि आप f डबल x की जगह 4 रखोगे तो भी ये 2 ही होगा ना, बिकॉज यहाँ पे x तो है नहीं. और ये आ रहा है आपका ग्रेटर देन 0. ग्रेटर देन 0 का मतलब हो गया अपोजिट, दैट इज मिनिमम. पर आपसे पूछा गया कि अगर ये मिनिमा है तो वो मिनिमम वैल्यू क्या हो, अब वो वैल्यू किस पर निकालोगे, इस पॉइंट पर निकालोगे. तो आप निकालोगे एफ ऑफ 4, ये होगा 4 स्क्वायर माइनस 8 इंटू 4 प्लस 17, राइट. और ये हो जाएगा आपका 4 जा 16 माइनस 32 प्लस 17 और 16, ये हो गया 33 माइनस 32. और ये कितना आ गया आपका? 1. कितना आ गया आपका? 1. तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी. क्लियर है? ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 44. दिस इज क्वेश्चन नंबर 44. क्वेश्चन नंबर 44 इज कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन determined by the system of linear constants are, corner points given है, 0, 3, 1, 1, p, 0. Let z is equal to px plus qy, where pq is greater than 0. Condition on p and q, so that minimum of z occurs at p, 0. Minimum of z occurs at p, 0 and 1, 1. पहले भी आपको ऐसे हम काफी क्वेश्चंस कर चुके हैं. ऐसे केसेस में सिर्फ जो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है वो हमारे लिए ही है. जो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है हमारे लिए, वो जिन दो पॉइंट्स पे वो मिनिमम है या मैक्सिमम होता है, हमें उन दो पॉइंट से ही मतलब होता है, राइट. जब आप इसको सॉल्व करोगे, व्हाट वी विल हैव, देखो जो कॉर्नर पॉइंट्स है आपके वो क्या क्या है, 3, 0 और 1, 1. और जो आपका फंक्शन है वो क्या है, z is equal to px plus qy. तो जब at p, 0, z की वैल्यू क्या होगी, ये होगा आपका 3p. And then at 1, 1, z की वैल्यू क्या होगी, अगर मैं z की वैल्यू निकालता हूँ, it will be p plus q. अब इन दोनों ही केसेस में जो इसकी वैल्यू है वो सेम मिनिमम वैल्यू है, सेम मिनिमम. इट मीन्स वॉट, पी पी विल बी इक्वल टू पी प्लस क्यू. तो ये क्या हो जाएगा, 2p विल बी इक्वल टू क्यू और p इज इक्वल टू क्यू बाय 2. देखो ऑप्शन में किस फॉर्म में दिया हुआ है, p इक्वल टू क्यू बाय 2. तो बी आपका आंसर हो. इज इट क्लियर? क्लियर है क्वेश्चन? ठीक है, चलो ये भी क्लियर हो गया. क्वेश्चन नंबर 45. क्वेश्चन नंबर 45.
ये आपका क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है आपका, आपको ए गिवन है और आपको ए इनवर्स फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, ए इनवर्स। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए, क्या निकालना होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो इजी क्या होगा, आप एक्सपेंड कर सकते हो अलोंग आर वन या अलोंग सी वन, जैसे आपको ठीक लगे, ठीक है। तो इसमें ज्यादा फर्क नहीं है अगर मैं एक्सपेंड करता हूँ अलोंग आर वन, एक्सपेंड अलोंग आर वन, एक्सपेंड अलोंग आर वन। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए किसके इक्वल होगा, टू के केस में रो और कॉलम को हाइट कर दो, व्हाट वी विल हैव, टू टू थ्री का क्या हो जाएगा, सिक्स माइनस वन इंटू फाइव कितना हो जाएगा, माइनस फाइव, राइट। ये डायमंड एलिमेंट होता है लैम्डा, तो ये क्या हो जाएगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस लैम्डा। इसके रो और कॉलम को हाइट करो तो जीरो इंटू थ्री क्या हो जाएगा, जीरो माइनस वन इंटू फाइव क्या हो जाएगा, माइनस फाइव, ठीक है। देन माइनस थ्री, उसको हाइट कर दो, जीरो इंटू वन क्या हो जाएगा, जीरो और वन इंटू टू क्या हो जाएगा, माइनस, ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो सिक्स माइनस फाइव होता है वन, और ये हो गया माइनस फाइव, और ये हो गया माइनस, व्हाट वी विल हैव, वन इंटू टू टू, माइनस माइनस फाइव लैम्डा, माइनस माइनस प्लस सिक्स, ठीक है। तो आपका जो ये आपकी वैल्यू है, अब ये जो है जीरो के इक्वल नहीं आ रहा ना, नहीं आने का मतलब क्या हो गया, जो आपका ए इनवर्स है वो एग्जिस्ट करेगा, बिकॉज ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, अगर जीरो आता तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो एग्जिस्ट नहीं करता, राइट। इसका मतलब क्या है, आपसे यही पूछा गया था कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, कब करेगा, तो ये एग्जिस्ट करने का मतलब यही हुआ ना कि टू प्लस फाइव लैम्डा प्लस सिक्स जो है जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, मिशन तो यही है ना, ए इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब वो जीरो के इक्वल ना हो। तो फाइव लैम्डा किसके इक्वल नहीं होना चाहिए, फाइव लैम्डा आपका इक्वल नहीं होना चाहिए सिक्स और टू एट माइनस एट के, और लैम्डा किसके इक्वल नहीं होना चाहिए, लैम्डा आपका माइनस एट बाय फाइव के इक्वल नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर लैम्डा आपका माइनस एट बाय फाइव हो गया तो देखो यहाँ पर क्या होगा, टू प्लस फाइव इंटू माइनस एट बाय फाइव प्लस सिक्स, ये कैंसिल हो जाएगा, सिक्स प्लस टू एट और एट माइनस एट जीरो, और ए इनवर्स आपका फिर एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये कंडीशन आपको लेके चलनी है कि जो लैम्डा है मेरा वो माइनस एट बाय फाइव के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है, माइनस एट बाय फाइव के इक्वल नहीं होना चाहिए, इज इट क्लियर। तो भाई आपकी जो ऑप्शंस हैं यहाँ पे, अगर इनके साथ जाओगे फिर तो आपका आंसर ये होगा, नन ऑफ दिस, समझ में आ रहा है मेरा, ठीक है, लैम्डा टू के इक्वल नहीं, या फिर अच्छा हाँ आप ऐसे भी तो कह सकते हो लैम्डा इसके इक्वल नहीं होना चाहिए ना, बाकी तो किसी के भी इक्वल हो सकता है, तो लैम्डा टू के इक्वल हो सकता है, ये आंसर हो गया। देखो मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ, मैंने कहा लैम्डा बस माइनस एट बाय फाइव के इक्वल नहीं होना, बाकी तो किसी के भी इक्वल हो सकता है, तो ये तो लैम्डा टू के इक्वल नहीं होना चाहिए, ये तो गलत है, लैम्डा माइनस टू के इक्वल नहीं होना चाहिए, ये भी गलत है, बट लैम्डा टू के इक्वल यस बिल्कुल हो सकता है, तो ए इज द राइट आंसर, समझ में आ गया। तो बहुत ध्यान से इन चीजों का ध्यान रखना, मैंने भी डी करा हुआ था भैया, नहीं डी नहीं होगा, वही मैं कह रहा हूँ, जल्दबाजी देखो मुझे तो क्वेश्चन पे क्वेश्चन कराना, मैं तो रश कर रहा हूँ, पर एग्जाम में आपको कोई रश नहीं होगा, बहुत आराम से रिलैक्स होके करना, यानी कि एकदम नहीं, ये चीजें इसीलिए तो सैंपल पेपर करना जरूरी होते हैं, ताकि ये चीजें आप ऑलरेडी प्रैक्टिकल जब ये मिस्टेक्स होती है तो आपके माइंड में ये हो जा, आपको समझ में आ जाना चाहिए, आंसर निकालिए फिर ऑप्शन को बहुत ध्यान से देखिए, क्लियर है, ठीक है। चलो ये आगे चलते हैं, नेक्स्ट है आपकी केस स्टडी, तो पहले तो केस स्टडी पढ़ ही लेते हैं आपकी, क्या लिखा हुआ आपकी केस स्टडी में, मंजीत वांट्स टू डोनेट अ रेक्टेंगुलर फ्लोर, क्या बात है, ऑफ लैंड फॉर स्कूल इन हिज विलेज, मंजीत जो है स्कूल में अपने गांव में स्कूल के लिए अपना रेक्टेंगुलर शेप में जो उसका प्लॉट है उसको डोनेट करना चाहता है। व्हेन ही वाज आस्क्ड टू गिव डायमेंशन ऑफ द प्लॉट ही टोल्ड दैट इफ इट लेंथ इज डिक्रीज बाय 50 मीटर, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं, जनरली डायमेंशन मुझे सीधा बताए थे भाई ये लेंथ है ये ब्रेथ है, ये भाई साहब ने बताने का तरीका ही अलग था, कहता भाई ऐसा है जो डायमेंशन है वो ऐसी है कि अगर लेंथ को आप 50 मीटर से डिक्रीज कर देते हो और ब्रेथ को आप इंक्रीज कर देते हो 50 मीटर से, तो एरिया जो है उसका सेम रहेगा,
मैथमेटिशियन हुआ कोई, ठीक है, बट फिर उसने क्या कहा, अगर आप लेंथ को डिक्रीज कर देते हो 10 मीटर से और ब्रेथ को डिक्रीज कर देते हो 20 मीटर से, तो जो एरिया है इसका वो डिक्रीज हो जाएगा 5300 मीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन में जैसे दिया हुआ है आपको कि लेंथ को आपने एक्स ले लिया और इसको ले लिया वाई, ठीक है, अब आपसे पूछा जा रहा है, अगर मैं इक्वेशन की बात करता हूँ, चलो अगर पहले हम इक्वेशन की बात करते हैं, तो लेंथ आपकी एक्स है, ब्रेथ आपकी वाई है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर मैं इक्वेशन बनाता हूँ, तो उसने क्या कहा, एरिया देखो यहाँ से जो एरिया आएगा कहना चाहिए ओरिजिनल एरिया एक्स वाई होगा, यस और नो, एंड इनटू ओरिजिनल एरिया यही होगा ना। अब उसने क्या कहा कि ओरिजिनल एरिया जो आपका एक्स वाई ही रहेगा, तब जब आप लेंथ को आप डिक्रीज करोगे 50 मीटर से तो इक्वल टू हो गया एक्स माइनस 50, और लेंथ को आप ब्रेथ को आप इंक्रीज करोगे 50 मीटर से इनटू वाई प्लस 50। समझ आ रहा है क्या कह रहा हूँ मैं आपको? अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका एक्स वाई, एक्स इंटू वाई क्या हो जाएगा एक्स वाई, माइनस 50 इंटू वाई क्या हो जाएगा माइनस 50 वाई, फिर होगा एक्स इंटू 50, 50 एक्स प्लस माइनस माइनस 25। तो फाइनल इक्वेशन क्या होगी एक्स वाई से, तो एक्स वाई घट जाएगा, ये 50 एक्स हो गया माइनस 50 वाई हो गया और इक्वल टू में हो गया माइनस 2500। इतना समझ में आ गया सही क्वेश्चन नंबर वन, फर्स्ट इंफॉर्मेशन से ये क्वेश्चन आ गया, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब सेकंड इंफॉर्मेशन की बात करते हैं, सेकंड इंफॉर्मेशन क्या कहता है वो आपको, दैट एरिया विल डिक्रीज बाय 5300 मीटर स्क्वायर। पहले जो ओरिजिनल एरिया था वो था एक्स वाई, ये जो एक्स वाई है आपका वो माइनस 5300 हो जाएगा, कब हो जाएगा, व्हेन लेंथ इज डिक्रीज बाय 10, एक्स माइनस 10, ब्रेथ इज डिक्रीज बाय 20, वाई माइनस 20। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा ये क्या होगा, एक्स वाई माइनस 5300 इक्वल टू एक्स इंटू वाई क्या हो जाएगा एक्स वाई माइनस 20x, माइनस 10 इंटू वाई माइनस 10y, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस 200। यहाँ तक कोई डाउट, ये कैंसिल हो गया आपका, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा आपका, देखो माइनस 20x है, इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आऊंगा तो ये हो जाएगा 20x, माइनस 10y को लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाओगे तो प्लस 10y, इक्वल टू में ये हो गया 200, ये माइनस यहाँ जाके क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा आपका 20x प्लस 10y इक्वल टू 5500। मैं जीरो सबसे 10 से इसको डिवाइड करूँगा तो क्या हो जाएगा 2x प्लस y इक्वल टू 5। तो मेरे पास दो इक्वेशन आ गई, एक तो ये आ गई x माइनस y इक्वल टू 50, तो एक आगे इक्वेशन 2x प्लस y इक्वल टू 5, ये होगी मेरी इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। चलो अब जो गिवन इंफॉर्मेशन थी उससे हमने दो इक्वेशन अपनी निकाल ली, अब अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है, इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई निकाल चुके हैं, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 50, ये देखो एक्स माइनस वाई इक्वल टू 50 और 2x प्लस वाई इक्वल टू 550, ये 2x माइनस वाई तो ये तो नहीं होता, और कोई ऑप्शन ये रहा, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 50 और 2x प्लस वाई इक्वल टू 550, कहना ही सही, जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा 46 का ऑप्शन बी, इज इट क्लियर, राइट। चलो जी 46 तो हो गया, अब 47 पर चलते हैं, क्या कह रहा है वो क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स इक्वेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द गिवन इंफॉर्मेशन, रिप्रेजेंटेड बाय द गिवन इंफॉर्मेशन। तो देखो ये है क्या, ये है आपका एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 50, ये आपका 2x
प्लस वाई इज इक्वल टू 550। कैसे लिखोगे आप इसको मैट्रिक इक्वेशन में? ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 1, ये हो जाएगा 2 1, इक्वल टू में क्या हो जाएगा 50 और 550। मैं राइट देखो 1 माइनस 1 1 माइनस 1 2 1 2 1, और साथ में जो वेरिएबल्स होते हैं ए एक्स इक्वल टू वाई होता है ना, एक्स वाई इक्वल टू 50, तो यही आपका ए ऑप्शन है। इज इट क्लियर? ये भी क्लियर हो गया आपको। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है आपका, द वैल्यू ऑफ एक्स इज, एक्स की क्या वैल्यू होगी? फिर देखो वैल्यू ऑफ वाई, तो आपको पता है सबसे इजी क्या, एलिमिनेशन मेथड लगा दो, ये हो गया एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 50, और ये हो गया 2x + y इज इक्वल टू 550। क्या करो इसको, इसको डायरेक्टली सॉल्व कर दो, y से y कैंसिल है, कितना हो जाएगा 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा 600, तो x की वैल्यू आ गई 200। 48 का आंसर तो हो गया ऑप्शन सी। अब 200 अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ, व्हाट इट विल बी, माइनस y विल बी इक्वल टू व्हाट 50, प्लस 200 है ये हो जाएगा माइनस 200, माइनस वाई विल बी इक्वल टू माइनस 150, तो वाई विल बी इक्वल टू व्हाट 150, वाई की जगह क्या हो जाएगा आपका 150। इज क्लियर? ये भी हो गया। हाउ मच इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, ये तो बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन दे दिया, एक्स इंटू वाई, एक्स कितना आ गया आपका 200, वाई कितना आ गया 150, 15 × 2 कितना हो गया 30, 1 2 3 1 2 3, 30,000 square meter, that will be your answer. Is it clear? ये आपका पेपर हो गया कंप्लीट, ठीक है? We have completed all the 50 questions. Now we will proceed with our next paper, that is sample paper 3.